त्योहारों के मद्देनजर अपने यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा लगातार पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से कुल 107 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें साप्ताहिक ट्रेनें भी शामिल हैं। CPRO पंकज सिंह ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए अभी लोकल ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं मिली है। जो भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें आरक्षित टिकट के ही यात्री यात्रा कर सकते हैं। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ठंडक के मौसम को देखते हुए रेलवे स्टेशन के द्वितीय क्लास गेट के पास नवनिर्मित वेटिंग हॉल को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, सबसे पहले तो मैं सभी यात्रियों को एवं सुनने वालों को देखने वालों को छठ पूजा और दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ लोगों से अपील भी करता हूं कि जब भी इस दौरान यात्रा करें तो अपने साथ कोई भी ऐसी वस्तु जो ज्वलनशील वस्तु है, जैसे पटाखे, सिलेंडर या इस तरह की वस्तुओं को लेकर यात्रा ना करें, ये दंडनीय अपराध भी है। अब बात करते हैं कि इसके लिए रेलवे ने क्या प्रबंध किए हुए हैं। तो रेलवे पूजा को ध्यान में रखते हुए लगातार पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रही है, जिनमें से अब तक कुल 107 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। इनमें कई ट्रेनें ऐसी हैं जो साप्ताहिक हैं, कई बाई वीकली हैं, कुछ डेली ट्रेनें भी हैं। साथ ही साथ कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनको हमने मांग के अनुसार एकल यात्रा के तौर पर भी चलाई, सिंगल ट्रिप के तौर पर भी चलाई हैं। तो निरंतर हम लोग यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रेनें चला रहे हैं। सभी बड़े महानगरों से बिहार की तरफ या गोरखपुर के लिए ट्रेनें चल रही हैं। अभी कोविड की सिचुएशन अभी पहले जैसी ही है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन हम लोगों को सावधानियां पूरी रखनी है। इनको ध्यान में रखते हुए अभी सभी ट्रेनें ऐसी चल रही हैं जिसमें आरक्षित श्रेणी के ही कोचेज लग रहे हैं। तो जो सभी प्रोटोकॉल हैं, जिसके बारे में बार बार हम लोग बताते रहते हैं कि जब मास्क पहने तो प्रॉपर तरीके से पहने, नोज आपका ढका हो, स्पेशली जब लोगों से बात कर रहे हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो शारीरिक दूरी की बात है, साथ ही साथ हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, वॉश करते समय भी ध्यान रखें, 20 सेकंड तक कम से कम वॉश करें। तो ये सभी सावधानियों का पालन आपको करना है यात्रा के दौरान। अभी भी आपको जब भी स्टेशन जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यात्री हैं जिनके पास कंफर्म टिकट है वही जाएं। वेट लिस्टेड पैसेंजर्स के लिए अभी यात्रा की अनुमति नहीं है। तो जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है। सभी से अपील है कि इन प्रोटोकॉल्स, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करें पूरी तरह से और आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। सर, जाड़े का समय भी आ रहा है और यात्री भी स्टेशन पे आते हैं, कभी कभी ट्रेन लेट भी आती है, तो क्या इनके लिए वेटिंग हॉल खोलने की व्यवस्था है? हाँ जी, अभी जो एक नया वेटिंग हॉल बना था, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी दिखाया भी अपने चैनलों में, एक बहुत ही बड़ा, लगभग 10,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा बड़े एरिया में एक द्वितीय श्रेणी का जो द्वार है उसके पास में वेटिंग हॉल बना है गोरखपुर स्टेशन पर, उसको खोलने के लिए कहा गया है। तो जो भी यात्री आते हैं, अगर इस तरह का उनका वेटिंग टाइम है या जो भी है, तो उस दौरान वहाँ पर रुक सकते हैं।